गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। मेरी बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं, प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए। बंदा डाउन जा रहा है तो आप ही लोग हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज सब्सक्राइब कराइए चैनल को। मैं आज यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ नरेशन का ही, जो बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने हर एक पॉइंट, तीन वीडियो हम एसर्टिव सेंटेंस के लिए ले आए थे, उसमें हमने हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करा था कि प्रोनाउन जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है उसमें जो प्रोनाउन होता है उसमें हम क्या चेंजेस, कैसे चेंजेस करेंगे, वो हमने उस वीडियो में बताया है। और दूसरा मैंने टेंस के बारे में, टेंस क्या है रिपोर्टेड क्लॉज में, ये जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है इसमें जो टेंस होता है उसमें हम कैसे बदलाव करेंगे, किस टेंस को किस टेंस में लिखेंगे और किस टेंस में होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, और इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो उसमें क्या बदलाव नहीं किया जाता है टेंस में, ये मैंने एसआरटी वाले वीडियोस में आप लोगों को बताया था। प्लीज आप जिन्होंने एसआरटी सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा है प्लीज वीडियो देखिए, तब उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस का वीडियो वॉच करिए और देखिए, तो आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। जो कॉम्पिटिशन लेवल के बच्चे हैं वो भी एक बार यहाँ सीख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसे हम नरेशन यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ये वाले सेंटेंस को कैसे बदलेंगे। अगर हमें नियम पता चल जाते हैं बच्चों तो हम बहुत आसानी से उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव। यहाँ हमने चार पॉइंट लिखा है ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट आपको समझाएगा कि आपको इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला वाला सेंटेंस दिया है से, सेड टू को आस्क या आस्क्ड में बदलेंगे, बदल देते हैं या बदलेंगे। तो कभी कभी क्या होता है तथा कभी कभी हम लिख सकते हैं उनके स्थान पे इंक्वायर या इंक्वायर्ड। मतलब ये तो स्पेशली कंपटीशन लेवल के हैं, जो 12th क्लास 10th क्लास के बच्चे हैं वो याद रखेंगे कि से या सेड टू है, सेड है, तो हम जनरली आस और आस्क्ड लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखते हैं तो आप है इंटायर और इंटायर्ड लिख सकते हैं, अगर वो भी नहीं लिखना चाहे तो इंट्रोगेट या इंट्रोगेटेड लिख सकते हैं। कहां पे ये रिपोर्टेड वर्ब होता है ना, ये रिपोर्टेड सेड टू और सेड, तो इसकी जगह बताया गया है कि आप सेड को हटाकर आस्क लिख सकते हैं या सेड टू को हटाकर आस्क्ड लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इनको इंक्वायर इंक्वायर्ड लिख सकते हैं या फिर इंट्रोगेटेड लिख सकते हैं सेंटेंस में। ये हमने बता रखा है फर्स्ट पॉइंट में, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो जनरली आपको याद रखना है, ज्यादा खोज नहीं करना है, आपको आस्क्ड लिखना है। ठीक है, आस्क या आस्क्ड लिखेंगे। दूसरा पॉइंट यहां बताया गया है कंजक्शन। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन डायरेक्ट का यूज करते थे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। यहां पे कंजक्शन डायरेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, कॉमा जब हम रिपोर्टेड वर्ब को लिख लिया फिर कॉमा मिलता है, कॉमा को हटाना होता है, कॉमा को हटाकर डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। इफ या वेदर, तो सबसे छोटी स्पेलिंग होती है इफ, तो इफ आप लगाकर आप सेंटेंस को आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां यही चीज बी पार्ट में आपको बताई गई है। सी पार्ट कहता है कि रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज मतलब कॉमा के बाद वाला पोजिशन, कॉमा के बाद वाला स्पीच वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टेड क्लॉज को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसके असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जब इसको आंसर लिखोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलोगे तो क्या करोगे, तो यहां पे हम देखेंगे कि जो सेंटेंस होगा जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप लगाएंगे और ये सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे आप। तो यही सी पॉइंट में आपको हमने बता रखा है। डी पॉइंट कहता है वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो ये चार पॉइंट अगर आपके दिमाग में हैं तो इजीली आप है डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल दोगे। तो क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया। इसमें बेटा एक बात और है, तो कभी कभी क्या होता है इफ या वेदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर नहीं लगाते हैं, वो केस होता है डब्ल्यू एच की फैमिली। अगर हमारा रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो शुरू हो रहा है डब्ल्यू एच की फैमिली से, डब्ल्यू एच ओ हू, डब्ल्यू एच ई एन व्हेन,
इनसे शुरू हो रहा है तो इफ या वेदर का यूज नहीं किया जाता है। आगे चलकर मैं बताऊंगा इस वाले पार्ट में, पहले हम इसके बारे में जो बताया गया है उसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग लगाकर देख लेते हैं। यहां दिया है पहला एग्जाम्पल, रवीना सेड इज देयर आई स्नेक इन द हाउस। रवीना सेड इज देयर आ स्नेक इन द हाउस। तो हमें क्या करना है, इन रूल को फॉलो करना है। इन रूल को फॉलो करोगे तो सेड की जगह हमने आस्क लिखा, रवीना आस्क, इतना हो गया। आगे बढ़े, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको दिखे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब बताया गया है हटाओगे तो क्या करोगे, इफ या वेदर का यूज करना है। कौन सा कंजक्शन यूज करना है, इफ या वेदर। तो इफ की स्पेलिंग इजी होती है तो मैंने यहां पे इफ का यूज कर लिया ना। आगे बढ़ते हैं, ये रिपोर्टेड क्लॉज के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं इज जो होता है, हम पढ़ते थे इज एम आर, इज एम आर होता है तो हमें वाज या वर में बदला जाता है। तो यहां पे इज है हेल्पिंग वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब होता है, इसको हम वाज में बदल देंगे। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन कौन सा है, तो हमने पहले इफ के बाद देयर का यूज किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, इसका क्या हो गया वाज, फिर अ स्नेक इन द हाउस, और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का यूज किया है। क्योंकि जब हमारा इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस होता है, जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो एसर्टिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि कॉमा को जब हटाएंगे तो इफ या वेदर का यूज किया जाता है। और हमेशा याद रखना कि जो आस्क से और सेड टू लिखा होगा तो हम आस्क और आस्क का यूज करते हैं सेंटेंस में। दूसरा एग्जाम्पल देख लो बेटा, कनिका सेड टू राम, हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। पास्ट परफेक्ट है, हैड लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि क्या हमें इसमें बदलाव करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। तो सेट टू दिया हुआ है, ये हमारा सेट टू दिया हुआ है, तो हमने आस्क लिख दिया, कनिका आस्क्ड किसको, राम, हो गया। कॉमा हटाया तो हमने क्या लगाना है, इफ या वेदर। इजी स्पेलिंग क्या होती है, इफ, तो इफ लगा देते हैं, इफ लगाया। अब यहां देखेंगे पर्सन कौन सा है, यू, यू कौन है, राम है, और राम एक लड़का है। तो हमने पहले पढ़ा था एसआरटी वाले में, हमने प्रोनाउन चेंजेस बताए थे, फर्स्ट पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन बदल देंगे, सेकंड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन ही बदल देंगे। तो ये चीज आप टेबल ऑफ्स में देखिएगा, किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं स्पेशली फिर से वीडियो उसकी सिंगल वीडियो में डाल दूंगा। तो यहां पे यू जो है वो सेकंड पर्सन है, राम को इंडिकेट कर रहा है, राम एक लड़का है तो हम ही लगाएंगे, शी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमने यहां पे ही लगाया, हैड का फिर हमने हैड लिख दिया, कंप्लीटेड का मैंने कंप्लीटेड लिख दिया, योर का क्या हो जाएगा, योर का हो गया हिज, क्योंकि लड़का है हिज हो जाएगा, लड़की है तो हर हो जाएगा। उसके बाद होमवर्क और फुल स्टॉप को लगा दिया, तो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदल गया। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। ये वो एग्जाम्पल बताए हैं जिनमें आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज करके आगे सेंटेंस को लेकर चलना है। तो हमने वो ही किया है यहां पे। लेकिन इसी इंट्रोगेटिव का एक और रूल है जिसमें होता है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद डब्ल्यू एच की फैमिली मिल जाए। तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस उसी ने लिख दिया ताकि आप नोट डाउन कर लोगे, नहीं नोट डाउन किया तो वीडियो दोबारा देखोगे, तो यहां पे सारी चीजें आपकी लिखी हुई है और आपको ज्यादा डीपली समझ में आ जाएगा। तो उसको देखिए, ये सेकंड पार्ट क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड क्लॉज क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, रिपोर्टेड क्लॉज जानते हो ना, मैंने बता दिया, कॉमा के बाद वाला जो पोर्शन होता है उसको रिपोर्टेड क्लॉज कहा जाता है। और वही रिपोर्टेड क्लॉज अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, मतलब कि डब्ल्यू एच ए टी वॉट, डब्ल्यू एच वाई वाई, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, डब्ल्यू एच ओ हु, व्हेन, होम, ऐसे बहुत से डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले शब्द हैं। और एक याद रखना, स्पेशली हाउ, ठीक है। तो यहां पे ऐसे वर्ड दिख जाए तो इफ या वेदर का यूज नहीं करना है,
आपको उसको यूज ही नहीं करना है, आपको उसको जो वर्ड दिया होता है डब्ल्यू एच की फैमिली दी होगी उसी डब्ल्यू एच की फैमिली को उतार देना है। ठीक है, तो यहां पे देखो इन नियमों का पालन करें, यानी डब्ल्यू एच की फैमिली हो तो इफ या वेदर नहीं लगाना है, आपको वही डब्ल्यू एच की फैमिली वर्ड वैसे ही लिख देने हैं। कैसे, यही सवाल उठता है सर जी कैसे, यहां पे हम सेंटेंस बता रहे हैं आपको। सेंटेंस देखो, द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब देखो रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज से शुरू हो रहा है डब्ल्यू एच की फैमिली से, तो इसमें इफ या वेदर का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो देखेंगे आज क्या आपका लिखते हैं, द टीचर सेड टू की जगह क्या लिखेंगे आप, आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड मी का मी। अब देखो कॉमा हटाया, कॉमा हटा कर इफ या वेदर का यूज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां पे डब्ल्यू एच की फैमिली दी हुई है, तो वही डब्ल्यू एच की फैमिली मैंने यहां पे उतार दी है, वाई का वाई उतार दिया, जो दिया हो व्हाट दिया है तो व्हाट, वाई दिया है वाई, व्हेन दिया है व्हेन, कुछ भी दिया हो तो वही उतार देना है आपको। अब देखो यू, यू किसके लिए इंडिकेट करा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मी मतलब आई, तो मैंने यहां पे आई का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब आर मैंने यहां बताया इज एम आर होगा, तो वर्ड और वर्ड लगाएंगे, तो यहां पे हमने देखो क्या किया, वर्ड लगा दिया, वर्ड लगा दिया, मेकिंग का मेकिंग, आ का आ, नॉइज इन द क्लास फुल स्टॉप लगाया, और सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इजिली कन्वर्ट हो गया। रूल के अकॉर्डिंग जो नियम कहता है कि अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद डब्ल्यू एच की फैमिली दिखे तो इफ या वेदर नहीं लगाना है, वही डब्ल्यू एच की फैमिली को उतार देना है आपको। अगर डब्ल्यू एच की फैमिली नहीं दिखती है तो भैया इफ या वेदर लगाना ही होगा, जैसे कि ये सेंटेंस हमने किए हैं। अब आते हैं एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राम सेड टू श्याम हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, तो यहां पे राम सेड टू की जगह मैंने आस्क लिखा, श्याम की जगह श्याम लिख दिया, अब यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ दिखा, हाउ दिखा, तो यहां पे इफ या वेदर का यूज नहीं करना है बेटा, यहां पे हाउ का हाउ ही उतार दिया गया। दूसरी चीज आगे बढ़े, आगे बढ़े तो हमने देखा आई, आई किसको इंडिकेट कर रहा, राम को, राम क्या है लड़का है, तो हमने ही का यूज इजिली कर लिया। और जानते हैं कैन का हम कुड में चेंज करते हैं, शैल का शुड में चेंज करते हैं, तो ऐसे वर्ड जो है हमें चेंज करना होगा। नाउ का देन यूज करते हैं, प्रीवियस डे का द प्रीवियस डे, द फॉलोइंग डे द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, तो ऐसे वर्ड्स हैं हमको माइंड में रखने होंगे जो हम चेंज कर देंगे। तो यहां पे कैन का कुड हो गया, हेल्प का हेल्प, यू का यू कौन है, श्याम है, तो हमने उसको हिम लिखा, लड़की होता तो हम हर लिखते, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को हटाकर हमने फुल स्टॉप का यूज कर दिया, तो ये इजिली कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस। तो अच्छा लगा होगा, इसका सेकेंड वीडियो में लेकर आऊंगा, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट वीडियो है, सेकेंड वीडियो उसमें हम देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे ताकि और इजी तरीका से सॉल्व हो जाए, आपके दिमाग में घुस जाए, बैठ जाए, जो भी आप समझें। लेकिन प्लीज अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल डाउन जा रहा है, आप ही लोग का सपोर्ट चाहिए कि मेहनत हो रही है तो उसको आगे बरकरार रखें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू।